पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट इंजरी आमतौर पे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को होता है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी प्लेयर, कबड्डी प्लेयर, मगर ये हम आप जैसे आम इंसानों को भी हो सकता है। सीढ़ी चढ़ते वक्त हल्का सा पैर ट्विस्ट हो गया, या फिर आप किसी उबड़ खाबड़ रास्ते में चल रहे हैं, वहाँ पे आपका घुटना थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से ये इंजरी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक इससे ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, जिससे आपका लिगामेंट इंजरी में हीलिंग में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा मैं बोलता हूँ, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है नी प्रेस एक्सरसाइज, जिसे हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक तकिया चाहिए, और आपको तकिया को अपने घुटनों के नीचे इस तरह से रख देना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट का जो एक्शन है वो हमारे घुटनों को पीछे की तरफ डीस्टेबलाइज होने से रोकता है, यानी कि पीछे की तरफ हमारा ये जो लोअर लेग है और ये घुटने का जॉइंट है, तो इस पैर को पीछे की तरफ ना चला जाए, उस चीज़ को ये रोकता है, और एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट आगे की तरफ जाने से रोकता है। इसी तरह से हमारा घुटना पूरी तरह से स्टेबलाइज रहता है। तो पहला जो एक्सरसाइज है नी प्रेस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का पर्पस है, या फिर जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ उस एक्सरसाइज का पर्पस है कि हमारे घुटनों के आसपास के मांसपेशियों को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि जब हम चलेंगे तो जो हमारे बॉडी का जो इम्पैक्ट है नी के ऊपर में, वो मसल्स अपने ऊपर ले लेगा, एक इम्पैक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे हमारा नी में जो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आ गया है वो उसको किसी हद तक मैनेज करेगा। तो नी प्रेस एक्सरसाइज के लिए आप तकिया इस तरह से घुटनों के नीचे रख लिए, और उसके बाद फिर आप घुटनों से इसे इस तरह से दबाएंगे। देखिए, मैंने इसे दबाया, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक होल्ड किया, फिर रिलैक्स छोड़ दिया। फिर से मैंने इसे दबाया, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखा, फिर रिलैक्स छोड़ दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो इसी तरह से आपको एक सेशन में कम से कम इसे 15 से 20 बार आप करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस एक्सरसाइज से आपके जांघ के सामने वाला मसल्स, ये जो इस मसल्स को हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, इस मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। चलिए, अब हम अगले एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट लेग रेज बोलते हैं। आप इसके लिए आप सीधे लोग लेट जाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने पैरों को इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना पूरी तरह सीधा रहेगा, और ये 30 डिग्री एंगल तक ही उठेगा, ये पूरा आपको नहीं उठाना है, 30 डिग्री तक उठाना है। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ओके। तो इससे भी आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रांग होगा, और इसे आप एक सेशन में कम से कम 10 बार करें, 10 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यही स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज आप साइड लाइंग में भी कर सकते हैं। तो इस पैर के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरह से साइड लाइंग में लेट गए, ठीक है। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ दिए, और ऊपर वाला पैर को आप सीधा रख देंगे, ठीक है। अब आप इस पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठाए, 1 2 3 4 5, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी देखिए, मैं पूरा नहीं उठा रहा हूँ, ये 30 डिग्री तक ही उठ रहा है, और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी आप मिनिमम 10 बार करेंगे, उससे ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सरसाइजेस तो ज़रूरी है ही, और भी एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, मगर लिगामेंट इंजरी को हील करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेजन। तो अगर हम अपने खान पान में, अपने फूड में कोलेजन का ज़्यादा मात्रा लें, तो लिगामेंट इंजरी का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, जिससे और भी जल्दी वो हील होगा। तो कई बार हमारे खान पान में
ये कोलाजन का जो कंपोनेंट है ये कम मात्रा में आता है। तो इसके लिए ये मेरे पास एक मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, और ये हिमालयन ऑर्गेनिक्स की तरफ से है, और ये है प्लांट बेस्ड कोलाजन बिल्डर। ओके, इसमें कोलाजन बूस्टिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, और अगर आप इसे लेंगे तो रेगुलरली इसका सेवन करेंगे लिगामेंट इंजरी वालों को काफ़ी इससे मदद मिलेगा हीलिंग प्रोसेस में। वैसे इसका और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि ये कि हमारे हेयर्स का हेल्थ के लिए, नेल्स का हेयर की हेल्थ के लिए, या फिर स्किन का हेल्थ में ये काफ़ी काम करेगा, लेकिन ये लिगामेंट इंजरी का हीलिंग प्रोसेस में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और इस डब्बे में 90 कैप्सूल्स हैं। ठीक है, तो रोजाना डेली आपको दो खाना है, सुबह में एक बार और शाम को एक बार। खाने के बाद आप इससे ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप पीछे की मांसपेशियों के लिए आप पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे, और फिर आप घुटना को हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे। ठीक है, आपको मोड़ेंगे फिर आप नीचे रख देंगे। देखिए मैं 90 डिग्री तक ही मोड़ रहा हूँ, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसे भी आप कम से कम 10 बार, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें एक वेट कफ आता है, 1.5 kg का वेट कफ आप अपने इस एरिया में बांध के आप कर सकते हैं, या फिर नमक 1 kg का नमक का पैकेट आप तौलिया से यहाँ पे बांध लिए, और फिर आप ये एक्सरसाइजेस इस तरह से कर सकते हैं। अब रह गया हमारे नीज़ के अंदर वाला, जो थाइज़ के अंदर वाला मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके लिए आपको लेटना है। इस तरह से आप लेट जाएंगे, और फिर आप तकिया लेंगे और इसे दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से रख देंगे। ठीक है, आप दो तकिया इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप सिंगल तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका एक फोल्ड इस तरह से बना देंगे और घुटनों के बीच में रखें, फिर इसे दबा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ठीक है, इसे भी आप मिनिमम 10 बार करें, 15 से 20 बार करें, जितना करेंगे उतना अच्छा है। कुछ एक्सरसाइजेस आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप कुछ ऊंचे सरफेस में, ऊंचे टेबल में इस तरह से बैठ जाएं जिससे आपका पैर जो है ज़मीन में टच ना हो, झूले ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप वेट कफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में वेट कफ नहीं है तो आप कोई 1 kg का नमक का पैकेट लें, उसे अच्छी तरह से अपने घुटनों में यहाँ पे तौलिया से या गमछा से बांध लें अच्छी तरह से, और फिर आप ये वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पैर को सीधा किया, देखिए, ठीक है, इससे भी आपका स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका दर्द में थोड़ा सा कमी आएगा आप अपने एक्सरसाइजेस को और भी एग्रेसिव और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो मेरे पास एक उपाय है, ये रबर बैंड, ये देखिए, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं, इसकी मदद से आप बहुत सारा नी के लिए एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर में कैसे एक्सरसाइज करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप वो वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने एक्सरसाइज को और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत बनाएंगे। तो और वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आप सर्जरी से पहले भी, अगर कई बार क्या होता है कि पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में कंप्लीट टियर होता है जिससे डॉक्टर्स उनको सर्जरी के लिए रेकमेंड करते हैं, तो अगर आप सर्जरी के लिए आपको प्रेस्क्राइब किया गया है तो आप सर्जरी से पहले भी ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो सर्जरी के बाद इसका इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं ये एक्सरसाइज उनको भी रेकमेंड करूँगा जिनका सर्जरी होने वाला है, और जिनका कंप्लीट टियर नहीं है उनके लिए तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा, इससे काफ़ी हेल्प होगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सर्जरी के बाद क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, अगर आपको उस वीडियो वो वीडियो अगर आप चाहिए तो आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें, मैं उस पर भी वीडियो प्लान करूँगा इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर चैनल में है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।